ठीक है, हम लोगों ने पिछले कक्षा में क्या देखे थे? ये लिस्ट वाले देखे थे। ये समझ में आया था कि नहीं आया था? तो चार पांच चीजें हैं। क्या क्या था? कि लिस्ट के साथ काम करना। लिस्ट मतलब ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, हम लोगों ने उसको देखा था। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, याद है? तो बताओगे कि आपको उसमें सीक्वेंस रहेगा, ऑर्डर रहेगा, ठीक है? 1 2 3 4 बोले या ABCD बोले, रोमन नंबर बोले, ठीक है? ये सब क्या है? ऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड में जो बुलेट का यूज होता है उसको अनऑर्डर्ड बोला जाता है, ठीक है? तो ये चीजें देखे थे हम लोग पिछले क्लास में प्रैक्टिकल करके, ऐसे उसको यूज करके, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या कि स्पेल है ना, स्पेल चेक, जैसे यहाँ पर बहुत सारे गलत चीजें थी उसको हम लोगों ने सीधा किया, ठीक है? स्पेलिंग का चेक करके जैसे वर्ड में करते हैं हम। उसके बाद फाइंड और रिप्लेस किया गया था, उसमें जिस पे से साथ साथ इसमें फॉर्मेटिंग में दिया गया था, बोल्ड इटैलिक कैसे करते जाते हैं वो यूज करते। ये जैसे है क्या, नंबरिंग दिया है, ये क्या हो गया? ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। बुलेटिंग है तो वो अनऑर्डर्ड लिस्ट आएगा। स्पेल चेक हुआ था और F7 से हम लोगों ने स्पेलिंग चेक के लिए देखा, ठीक है? फाइंड रिप्लेस दिए थे इस यहाँ पे, ठीक। और HTML टैग को सर्च करना, ये चीज हम लोगों ने किया, ठीक है? और जो भी चीजें देखते हैं कौन सा पेज पे बना है, कहाँ पे वो मिलता है, ये हम लोगों ने इसको करके देखा था, ठीक है? फाइंड रिप्लेस। अगला सत्र जो है सेशन 5, टेबल एंड सेल, ठीक है? टेबल और सेल को उसमें काम करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती है, ठीक है? जैसे यहाँ पे क्या, एट द एंड ऑफ सेशन यू विल बी एबल टू क्रिएट टेबल यूजिंग यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेस वेब, ठीक है? इसके इसके द्वारा आप कैसे टेबल ले सकते हैं वो देखेंगे, क्रिएट करते हैं। मर्ज एंड स्प्लिट सेल, उस सेल जो टैग के माध्यम से बनाया उसको कैसे मर्ज किया जाएगा और कैसे स्प्लिट मतलब तोड़ा जाएगा। यूज इमेज बैकग्राउंड फॉर सेल, हर जो सेल है उसमें बैकग्राउंड पे इमेज कैसे डालेंगे, कोई पिक्चर्स कैसे डालेंगे, ये सब चीज़ों के बारे में देखेंगे, ठीक है? MEW सिंप्लीफाई द थ्रू टॉक ऑफ क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग द एचटीएमएल विथ मैनी रोज एंड कॉलम, ठीक है? इसका यूज कर सकते हैं रोज और कॉलम करके। तो ये डायलॉग बॉक्स दिया गया है कैसे क्रिएट करते हैं, तो हम ये डायलॉग बॉक्स माध्यम से रो कॉलम करके हम जैसे ही ओके करेंगे वो क्या होगा, आपका जो है टेबल बन जाएगा। यहाँ पे जैसे बताया गया है क्या, टेबल डॉट HTML नाम से बना देंगे इसका प्रैक्टिकल के लिए। डिजाइन व्यू को खोलना है, फिर उसके बाद क्या है, इंसर्ट टेबल। आपको क्या करना है, सिंपली टेबल में जाके इंसर्ट टेबल करेंगे और वो डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स। वहां पे आपको क्या करना है, कितनी रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए वो डालना रहेगा, लेआउट कैसा चाहिए उसको देखना रहेगा डिजाइनिंग के लिए, कि उसका अलाइनमेंट कैसा होगा, डिफॉल्ट रहेगा, डिफॉल्ट में कैसा होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट रहता है। नंबर्स होगा तो सब फ्लॉट डिफॉल्ट है, फ्लॉट जो दिया गया है वो रहेगा। यहाँ पे पिक्सल दिया गया है उसके हिसाब से देख सकते हैं, बहुत सारी चीजों को डिफॉल्ट रूप में यूज किया जाएगा, ठीक है? सेल पेडिंग दिया है, और जो है पेडिंग का मतलब क्या है कि जब तो आपका कॉलम होते हैं हर जो सेल है टेबल का, उस सेल के अंदर देखा जाए तो चारों तरफ उसका बॉर्डर रहता है सेल का, ठीक है? तो उससे कितनी दूरी बना के रहेगा तो उसको हम पेडिंग बोलते हैं, ठीक है? कितना गैप होगा, कितना पिक्सल का गैप होगा उसको, ठीक है? जैसे 0 कर देंगे तो पूरा लाइन से सट जाएगा, उसमें हम बढ़ाते जाएंगे तो लाइन से दूर हटते जाएगा, ठीक है? तो वो सेल पेडिंग कहलाता है। और उसके बाद क्या है, सेल स्पेसिंग, स्पेस मतलब जगह छोड़ना, ये भी है। तो पेडिंग और स्पेसिंग हल्का सा अंतर पड़ेगा, बाकी दोनों रहेगा, ठीक है? साइज दिया गया है, साइज क्या होगा, बॉर्डर का कलर क्या होगा, ये सब चीज सेट कर सकते हैं एक साथ में। ये क्या आप बोल सकते हैं आपको कि उसमें स्टाइल सेट कर, उसमें आप तो से क्या बोलते हैं टेबल को फॉर्मेटिंग कर रहा है, ये पूरी चीजें यहाँ पे हो जाएगी। एक ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी बस हो जाएगा, इंसर्ट करने के बाद ही आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं या फिर बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे कुछ चीज बताया गया है, जैसे 10 रो का 10 कॉलम को बनाना है, इसकी टाइप क्या होगा, टाइप 3 का साइज होगा, बॉर्डर क्या सेक्शन होगा, ठीक है? और क्या कहता है, कलर जो है सेलेक्ट मैरून फ्रॉम कलर ड्रॉप डाउन, ठीक है? ये कलर ड्रॉप डाउन उसका मैरून कलर लेना है, कलर उसमें दिखाएगा नाम या सेलेक्ट कर सकते, या फिर आप यदि कलर बस दिखाता है तो क्या करेगा, माउस को लेते जाओगे तो कलर का नाम बताएगा, ठीक है? तो इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं और लास्ट में ओके क्लिक करेंगे। और इमेज के लिए हमने यहाँ पे जैसे बोला गया क्या,
सेल की जो कॉलम जो सेल है उसके बैकग्राउंड में इमेज डालना है उसके लिए। तो इमेज हाउ मेनी लाइंस ऑफ कोड यू वुड हैव टाइप टू हैव सच अ रिजल्ट। नाउ टू व्यू द एचटीएमएल कोड, आपको पेज व्यू में कोड व्यू में देख लेना है कि कोड में कैसा होगा और डिजाइन। ये हम पिछले क्लास में भी किए हैं, ठीक है। और यदि आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं तो टेबल से जाके टेबल प्रॉपर्टी भी हम देख सकते हैं, वो फिर चीजें खुलेगी, उसमें आप जाके प्रॉपर्टी में बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कलर क्या जाए, ड्रॉप डाउन से क्लिक करके सेलेक्ट कर जाएगा ऑलिव कलर, ठीक है। कहाँ से? कलर से। बॉर्डर स्टाइल टाइप क्या गया है, वन लिया है साइज में बॉर्डर का, ठीक है। और F12 से उसका पेज व्यू देख सकते हैं जो कि ब्राउजर पे खुलता है। ये थे पिछले क्लास में भी F12 से, ठीक है, स्टाइल वाला। जैसे यहाँ पे कुछ चीजें हैं, चलो आगे ज्यादा नहीं जाते हैं, ऊपर वाले सिलेक्शन को करते जाते हैं प्रैक्टिकल, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्सप्रेस वेब दिख रही है, ये पिछले क्लास में हम लोगों ने डिफॉल्ट टेबल बनाया था, लोड हो रहा है, ठीक है, दिखाई दे रही है सभी को, ठीक है। ये टेबल हम लोगों ने इसको कॉपी पेस्ट किया था एक्सेस, और ये लिस्ट बनाया था जिसमें हम लोगों ने, उसमें क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। यहाँ से अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक, LU लिया होगा, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर ये चीजें। हम इसका कोड देखना चाहते हैं तो हम कोड में देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, LU का दिया हुआ, क्लियर। अब हमको एक फाइल बनानी है, टेबल्स, क्या बनानी है, टेबल्स। तो साइट पे जाके कर सकते हैं, साइट पे जाएंगे और न्यू साइट नहीं, हमको न्यू फाइल बनानी है, ठीक है, जहां पे साइट पे जाके ये लिए और HTML बना लिए, ठीक है। इसी साइट पे, हमने नया साइट नहीं चाहिए तो इसी में राइट क्लिक करके कर सकते हैं, आप यहां से भी कर सकते हैं न्यू, ठीक है। न्यू में क्या क्या दिया गया है, न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू HTML, ये खुला, इसको हमको सेव कर लेना है। किस नाम से करना है हमको, बोलो, यस, तो HTML रहेगा, हम नहीं करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि तो बाय डिफॉल्ट जो है वो HTML ही लेगा। बदल गया टेबल नाम से, ठीक है। डिजाइन व्यू में जाते हैं, अब हमको क्या करना है, टेबल पे जाएंगे, ये टेबल दिखा रहा है, क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल, ठीक है। इंसर्ट टेबल में ये इंसर्ट टेबल आया, इसमें साइज देना कितना है, जैसे हमको 10 बोला गया है, दो दो का कर सकते हैं, अभी हमको 10 करना है। डायरेक्ट ऐसा क्लिक करके अप डाउन कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट दिया गया है और कलर स्पेसिंग हो गया, साइज कितना दिया है, तीन बॉर्डर साइज एक दिया है, और कलर जैसे यहाँ पे मैरून दिया गया है, समझ नहीं आ रहा, ये है मैरून कलर सेलेक्ट किया, ये कोड है उसका, मैरून कलर का कोड इस तरीके से है, क्या है, हैश 8 और 8 टाइम 5 टाइम 0, इस तरीके से इसको यूज करके हम कर सकते हैं। बैकग्राउंड कैसा चाहिए वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, बैकग्राउंड क्या हो, ठीक है। ये तो बॉर्डर का कलर है, तो बैकग्राउंड कलर जैसे मैंने ये डाल दू, क्या सिल्वर, ऑलिव भी होगा, ये ऑलिव, और ओके, ये टेबल मैरून है और कलर उसका दिखा रहा है, ठीक है। इन सब चीजों का जहां तक समझ में आया कि नहीं आया, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, क्लियर हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 TD बना हुआ है। और टी आर मतलब रो होता है, टी डी मतलब कॉलम होता है, TR1 एक ये भी TR है, ठीक है। अब टेबल के साथ साथ हम क्या कहते हैं, टेबल प्रॉपर्टी दिया हुआ है, हम टेबल सेलेक्ट कर लेंगे तो टेबल प्रॉपर्टी, ये टेबल सेलेक्ट हुआ ना, हमको TRTD में नहीं जाना है। यहाँ पे देखोगे बॉडी, बॉडी के अंदर यह है टेबल दिया हुआ है, आप टेबल पे क्लिक करोगे तो पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा, टेबल सेलेक्ट हो जाएगा तो आप टेबल पे जाके टेबल प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। टेबल ये है टेबल प्रॉपर्टी, जिसमें बताया गया कि टेबल कितने रो का है, कितने कॉलम का है, ठीक है, कितने पिक्सल्स होंगे वो बता रहा है। पेडिंग यहाँ पे हम कर सकते हैं, मैं कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ तब जाके आपको क्लियर होगा कि वो पैडिंग और कॉलम
स्पेसिंग कैसे काम करता है, ठीक है। कलर दिया हुआ है, बॉर्डर का साइज है, हम इसे बढ़ाते हैं तो वो मोटा हो जाएगा, ठीक है। कलर जैसे जानते हैं, यहाँ पे मैं ब्लू कर देता हूँ, ऑलिव कलर, बैकग्राउंड कलर ऑलिव ही है, हमने जो चेंज करने बताया था, मैं यहाँ पे सिल्वर कर दे रहा हूँ और अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई और ओके, ये आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, SN स्टूडेंट ऑथर नेम, रोल नंबर, ठीक है। मैं इतने बाकी चीजों को रहने देते हैं, आप इसको ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हो पूरे कॉलम को, ठीक है। वो आपको समझ में आ जाएगा क्लियर से कितना साइज चाहिए, ऑटोमेटिक सेट हो जा रहा है। तो जैसे हम लोगों ने सेट किया है, हम लोगों ने 11th में जब पढ़े थे, हम लोग कोड किए थे, हमको सब कुछ और वेद और हाइट बताना पड़ा। ये डिज़ाइन व्यू है, इसमें देखो कि हम लोग जो भी एडजस्ट कर रहे हैं बहुत ही आसानी से कर पा रहे हैं, और ये इसके हिसाब से इसका कोड देखेंगे। यहाँ पे स्प्लिट कर दें तो हमको कोड दिखेगा, ये वाली चीज़ों को मैं काट देता हूँ फाइंड वाले को, ठीक है। ये देखो, ये डिज़ाइन व्यू है, ये कोड व्यू है। तो TDTR का सब दिखा रहा है कितना है, स्टाइल दिया है TD का, वेद कितना है 24, फिर इसका सेकेंड वाला जो है उसका कितना दिया है, तो 182 दिया है, ये 42 है, इसका कितना है 182 है, इसका 60 है, 160, इसका क्या है 169, सब अलग अलग है। हम चाहें तो सबको एक साथ सेट करके बदल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, तीन चीज सेलेक्ट किया, यहाँ पे भी दिखा रहा है सिलेक्टेड, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो है ना, तो सभी चीजें सेलेक्टेड होते जा रहा है। अब यदि हम यहाँ पे साइज सेट कर देते हैं, क्या विद, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स को कर देंगे, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स है, तो उसका यहाँ पे हम उसका साइज को सेट कर सकते हैं, विद को सेट कर सकते हैं, ये है विद 160, लोड हो रहा है, हुआ कि नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, टाइटल टेबल का ये टेबल का बता रहा है, ठीक है। टीटी वाले को सेलेक्ट करेंगे तब होगा ये, तो यहाँ पे टीटी आ गया, ये प्रॉपर्टी विंडो है। अब यहाँ पे हम इसको सेट करेंगे तो हो जाएगा, विद दिखाओ, यहाँ विद दिख रहा है, और यहाँ पे हमने क्या किया 160, ये तो 160 पहले से ही है, ठीक है। सेलेक्टेड दिखा रहा है, देखो इस पे चले जाते हैं और इस पे हम इसको विद को सेट कर लेते हैं 160, ये क्या, डायरेक्ट ये तो कोर्ट के अंदर आ गया, कोर्ट पे हमको नहीं करना है, कोर्ट बिना कोर्ट के, जो स्पेस देते हैं उसके लिए ये है ना, ब्लैंक स्पेस डालना रहता है, एंड एंड करते हैं, एंड बी एस पी लिख के हम स्पेस देते हैं।
यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट करें, ठीक है, ये 82 है, पिक्सल बदल रहे हैं, और ये 60, दिखाई दे रहा है बीच में पीले बॉक्स को दिखा रहा है, वो यूज करते हैं। इधर से बदल गया सभी, इसका देखेंगे तो अभी 0 है, बाई डिफॉल्ट दिया है 48 में है, हम उसको बढ़ाते हैं तो ठीक है। इसके अंदर जो डेटा है वो क्या है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है, एन परसेंट एन बी एस पी, ठीक है, ब्लैंक स्पेस है, और यहाँ पे हम बदलते कुछ लिखते हैं तो वो बदला हो जाएगा, नहीं लिखेंगे तो ठीक है। दिखाई दिया ये देखो, ये जो है वो कैसे बदला हुआ है, उसको कुछ नहीं लिखा तो क्या है, और कुछ लिखते हैं तो वो बदल जाए। चलो चैप्टर्स पे आते हैं, आपको आगे क्या चीज दिखना है, ये समझ में आया इंसर्ट करना कि क्या क्या चीजें इंसर्ट करने हैं। अच्छा जी, मैं स्पेसिंग और पैडिंग बता रहा था, यहाँ पे अब ये टेक्स्ट देख रहे हैं कि इसका जो पैडिंग और स्पेसिंग कैसा है, ठीक है, स्टाइल चीज पे देख लिए, 3D सेलेक्ट करेंगे तो आपको दिख जाएगा ये स्टूडेंट में, ठीक है। स्टाइल में क्या, सिर्फ विड्थ को सेट किया गया है इसका स्टाइल के रूप में जो एट्रीब्यूट्स है। अब हम इसमें जो प्रॉपर्टी वाले में जाते हैं, टेबल की प्रॉपर्टी में, और सेल प्रॉपर्टी, टेबल प्रॉपर्टी, और इस पर स्पेसिंग को डालते हैं पैडिंग को, ठीक है। अभी क्या है, पैडिंग कितना है, 1 है, तो इस तरीके से दिख रहा है, और स्पेसिंग क्या है, 2 है, 2 स्पेसिंग दिख रहा है। तो हम इसको ज़्यादा थोड़ा बढ़ा के दिखाते हैं तो जल्दी समझ में आएगा यहाँ पे अंतर आता है। चेक किए और अप्लाई किए, क्या हुआ देखो, टेबल की प्रॉपर्टी के हैं, सभी टेबल में, सभी सेल पे गया है। अब देखो ये जो लिखा हुआ है फादर, या जो टेक्स्ट लिखा है उसके ऊपर, या फिर लेफ्ट साइड में अलाइनमेंट राइट पे छोड़ दो, लाइट को समझेंगे नहीं, जो तो अलाइनमेंट लेफ्ट है, ठीक है, तो ऊपर दाएं बाएं नीचे ये क्या हो गया, 6 स्पेस हुआ, 6 पैडिंग हुआ चारों तरफ से, और करते हैं 12, तो चारों तरफ उसकी दूरी, सेल में बॉर्डर से दूरी कितनी है उसको अप्लाई करते, तो आप ऊपर दूरी, नीचे लेफ्ट साइड, और ये 12 है, और राइट साइड भी 12 ही होगा, उसके बाद यहाँ पे देखो ये सेल सेलेक्टेड है, तो जो है ये नीचे अंदर कलर है जो ग्रीन टाइप का दिख रहा है, ऑलिव कलर वो हो गया, और जो ऊपर जो थोड़ा डार्क मतलब लाइट में ग्रीन में जो है वो क्या है, उसका स्पेसिंग को दिखा रहा है, ये वाला मोटा चौड़ा पत्ती दिख रहा है अलग कलर में, वो उसका क्या है, पेडिंग है, ठीक है। स्पेसिंग को देखते हैं, पेडिंग को मैं कम कर दे रहा हूँ, 10 कर दे रहा हूँ, ठीक है, अप्लाई। अब पेडिंग को मैं बढ़ा रहा हूँ, स्पेसिंग को 6 10, अप्लाई, ठीक है, ये लाइन की स्पेसिंग उसमें हुआ। अब देखो स्पेसिंग कैसे हुआ, दो सेल के बीच की दूरी वो कम हुई, ठीक है, ये जो वाइट जो सेल है और ये वाला अंदर जो डॉटेड लाइन में दे रहे हैं, उन दोनों के बीच का गैप जो है बढ़ा है स्पेसिंग, सेल दो सेल के बीच का गैप कितना होगा, ठीक है, हम यदि कम करेंगे और अप्लाई करेंगे उसका गैप जो है, ये बीच का जो गैप है वो कम होते जाएगा, अप्लाई कम हुआ, यदि मैं इसको 1 करता हूँ एकदम चिपका हुआ रहेगा, अप्लाई चिपक गया दो डॉटेड लाइन, और यदि मैं इसको 0 कर देता हूँ तो ऐसा लगेगा जैसे दोनों आपस में एक ही लाइन से बना हुआ, दो दो लाइन में खींचने की आवश्यकता नहीं होगी, समझ में आया कि दो सेल के बीच क्या गेप क्या होगा, सेल पेडिंग मतलब उसके बॉर्डर से जो टेक्स्ट लिखा रहेगा उसका दूरी कितना होगा, वो चीजें, ठीक है। तो हमने इसको किया, मैं दो ही कर देता हूँ, अप्लाई किया और ओके। अब देखो ये चीज फॉर्मेट हमने डाला है उसको स्टाइल पे देखते हैं, टेबल के कोड पे, हमने यहाँ टेबल है उसके अंदर हम एट्रीब्यूट डाले हुए हैं, एट्रीब्यूट में क्या दिया है कि क्लास टाइप किया है, स्टाइल वन के लिए उसका विद 100% है, और सेल पेडिंग क्या है, तो सेल की पेडिंग जो है वो 10 है, और सेल स्पेसिंग क्या है तो 4 है, मतलब दो सेल के बीच का जो गेप है वो 4 पिक्सल रहेगा, और जो उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा रहेगा उस सेल पे, तो उसका बॉर्डर से दूरी जो होगा वो 10 होगा, 10 पिक्सल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें होगी, क्लियर हुआ, कोई डाउट?
बोलो। नीतू, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। जी सर, जी सर। वाला हिंदी वाला बुक आप लोगों को दिया था ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों। इफ जिसके पास नहीं होगा वो बोल देंगे, फिर से भेज दूंगा, या फिर आप लोग आपस में भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, अभी बुक आने में समय है, सेल हो गया, टेबल हो गया, अच्छा ये तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। हाँ ये क्या चीज बोला गया है, सेल और टेबल साइज को के साथ काम करना, ये चीज दिया गया है। और उसके बाद क्या दिया गया टॉपिक, टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट, कैसे हम टेबल को टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करते हैं, एचटीएमएल रिटर्न में भी कैसे किया जाएगा उसको देखें। ठीक है, यहाँ जैसे बताया कि किसी भी टेबल टू टेक्स्ट ऑप्शन का उपयोग करते हुए टेक्स्ट को एक टेबल के कंटेंट में कन्वर्ट कर सकते, जो भी टेक्स्ट है उसको टेबल बना देंगे हम। ये वर्ड वर्ड में किए हुए हैं कि कैसे उसको कन्वर्ट किया जाता है, कि कॉमा के माध्यम से, या फिर टेप के माध्यम से, या स्पेस के माध्यम से, या कोई कैरेक्टर या स्पेशल कैरेक्टर को हम मार्क बनाते हैं, और उसी के आधार पर वो टेबल को मतलब टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वो चीज देखेंगे। यूजिंग द एचटीएमएल एडिटर इट इज इजी टू ऑल यूनिट। ठीक है, मैजेंटा कलर दिया गया, ठीक है। स्प्लिट टेबल की बात करें, ठीक है, क्या करना है आपको, जो टेबल दिया रहेगा, हमने अभी टेबल बनाया हुआ है, उसको स्प्लिट करना। ठीक है, कैसे स्प्लिट करेंगे, तो उसको दिखा कि टेबल में जाएंगे, मॉडिफाई करेंगे और मर्ज सेल कर सकते हैं, और टेबल में जाके मॉडिफाई में जाके स्प्लिट सेल करके हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कर ही लेते हैं। कोड ऊपर दिखेगा, ठीक, यहाँ पे स्विच करने की जरूरत है। ठीक है, मैं इन दोनों सेल को सेलेक्ट किया और क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। यहाँ पे देखो ये ऑप्शन क्या है, डिवीजन के लिए। ठीक, मॉडिफाई में जाते हैं, मेन्यू में नहीं दिया हुआ है, तो टेबल में क्या है, मॉडिफाई गए और मर्ज सेल, क्या मर्ज सेल, जो भी सेल को जैसा भी मर्जिंग का काम करना है आपको, पहले सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाई और मर्ज सेल, हमने दो सेल को सेलेक्ट किया तो वो मर्ज जाएगी, मर्ज हो गया। ठीक है, मान लो मैंने इस सेल को, एक सेल है इसको मैं तोड़ना चाहता हूँ, मतलब मॉडिफाई करूंगा और स्प्लिट करूंगा, काटूंगा। ठीक है, मॉडिफाई, और ये क्या है, स्प्लिट सेल। ठीक है, तो इसको स्प्लिट करके हम बांट सकते हैं, कितने में करना है वो ऑप्शन आएगा, कि हमको स्प्लिट आया, स्प्लिट इनटू कॉलम, दो कॉलम में बांटना है। ठीक है, स्प्लिट इनटू रो में, रो में बदलना है कि कॉलम बदलना है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम क्या है, दो की जगह मैं बोलता हूँ कि तीन में, ये तीन टुकड़े में बट जाएगा। ओके, बट गया, स्टूडेंट नेम के एक दो तीन, ये कॉलम हो गया, ये सिंगल ही है। ठीक है, ये क्या हुआ, स्प्लिट हुआ, और मर्ज करना होगा तो तीनों को सेलेक्ट करके सेल में जाएंगे और मॉडिफाई में जाके मर्ज कर देंगे, जैसे हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो आप कोड में परिवर्तन भी देख सकते। ठीक है, ये देख, इस टीडी के अंदर कितने सारे टीडी आया, मतलब ई आर के अंदर एक दो तीन जो है ये आ गया, इसमें टुकड़े बटे, तो ये पूरा रो को बताया गया है। ठीक है, ये एक दो तीन इस तरीके से बीच में इंसर्ट किया गया। ठीक है, इसको मर्ज कर देंगे तो दिखा कि सभी की साइज बराबर दिखा रहा है। मैं दो इसमें से दो को सेलेक्ट किया, टेबल में गया
और ये मर्ज कर दो। तो ये इस तरीके से बदल गया, यहाँ पे हाइट वेट से बदल गया, एक का हाइट अलग है और दूसरे का वेट। ठीक, क्लियर हुआ ये मर्जिंग। और उसके बाद आपका है रो में करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन को क्लिक करते हैं, रो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग इमेज बैकग्राउंड फॉर सेल और बॉर्डर उसको कैसे करना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इमेज की हम टेबल बना करेंगे तब है उसका यूज कर सकते हैं, या फिर हम जो बना हुआ है उसी में यूज कर लेते हैं। तो सेल प्रॉपर्टी में जाएंगे, ठीक है, अभी टेबल प्रॉपर्टी से हम लोग देख रहे थे, हम इंडिविजुअल सेल पे करना चाहते हैं तो सेल में इमेज डाल सकते हैं। ठीक है, ब्राउज करके सेल प्रॉपर्टी, सेल प्रॉपर्टीज कैसे आएगी, आप उसको सेलेक्ट कर लो जैसे टेबल में गए हैं और टेबल में जाके देख सकते हैं, जैसे इसमें किया मैं इस वाले सेल को सेलेक्ट किया और टेबल पे गया और देखो ये टेबल प्रॉपर्टी दिखा रहा। ठीक है, टेबल प्रॉपर्टी के अंदर जाते हैं क्योंकि टेबल और सेल, क्योंकि सेल कहाँ है, सेल भी तो टेबल के अंदर ही है ना, तो सेल प्रॉपर्टी के अंदर सेल प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो उसको हम डाल सकते हैं, सेल प्रॉपर्टी में क्लिक करेंगे तो ये सेल प्रॉपर्टी आया। यहाँ पे बैकग्राउंड नीचे वाला सेक्शन देखेंगे, ऊपर तो लेआउट दिया हुआ है रो कॉलम सा, उसके बाद बॉर्डर के बारे में बताया गया है साइज और कलर। ठीक है, उसके बाद यदि मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा कर दिया, दो कर दिया तो अलग चीज़ें, कलर जो है वाइट करेगा वह मैं कर दिया। ठीक, कौन सा कलर लिया तो नेवी कलर लिया। ठीक है, बैकग्राउंड ऑटोमेटिक दिया हुआ है, हम बैकग्राउंड यूज बैकग्राउंड पिक्चर्स उसको क्लिक करेंगे और ब्राउज करके इमेज ले आए। ठीक है, कुछ इमेज दिख रहा है क्या, ये अपनी साइट पे नहीं है, माई साइट के फोल्डर पे, तो हम दूसरे जगह से ले लेते हैं। लेकिन जब भी आप वेबसाइट बनाएंगे, आप नया साइट बनाए हैं तो उसके अंदर आप एक फोल्डर बना के वहाँ पे अपना जो भी उपयोग होता है पिक्चर्स उसको वहाँ पे डाल दीजिए, उससे आपको आसानी होगी अपलोड करने पे, पब्लिश करने में। ठीक है, तो हम फिलहाल अभी यहाँ से ले रहे हैं और उसको डाल देंगे। ठीक है, मैं ये फोटो ले लिया और इसको ओपन कर लूँ। ठीक है, और अप्लाई करता हूँ, जैसे ही अप्लाई करूँगा पिक्चर चीज हो रहा है, यहाँ पे देखा क्या अंतर आएगा। और ओके, साइज बढ़ा के देख लेते हैं। ठीक है, हमने कोड के माध्यम से 11th में हम लोगों ने देखा था कि हम इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, सोर्स में जाके वो सब चीज़ें हुआ था। ठीक है, कैसे उसमें वीडियो चलाते हैं, कैसे उसमें लिंक चलते हैं, मैंने डाल के देखा दिखाया था स्टूडेंट रिकॉर्ड में और स्टूडेंट का डिटेलिंग डाल दें, बताया था कि नहीं बताया था। ठीक है, वो क्लास का वीडियो आपको 9th वाले ग्रुप में मिल जाएगा, मतलब 11th वाले ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल में जो कोड के माध्यम से बताया गया था, आपको डाउट होता है। अब देखो ये वाला जो सेल है टीटी कहाँ है, ये वाला। ठीक है, सेलेक्टेड दिखा रहा है, टीटी स्टाइल दिया, हाइट दिया है और क्लास दिया है। ठीक है, और उसकी साइज बता दिया। अब इसमें सोर्स के लिए देखो क्या क्या चीज़ें, तो बैकग्राउंड में सेट हो गया है, स्टाइल 2 दिया है। अब ये स्टाइल 2 को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे सोर्स तो नहीं दिखाया, या सोर्स नहीं दिखाया कि इसमें इमेज कहाँ है, तो वो इमेज को सोर्स में ना डाल के वो एक स्टाइल बनाया है ऑटो स्टाइल 2, उसके अंदर वो स्टोर कर दिया। आप ऑटो स्टाइल 2 यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे ही माउस लेके आया हूँ, स्टाइल के अंदर दिख रहा है क्या कलर, क्या बॉर्डर क्या होगा, 2 पिक्सल का सॉलिड होगा और उसका जो हैश कलर बताया है दिख रहा है। उसके बाद क्या दिखाया कि बैकग्राउंड इमेज वो फाइल का लोकेशन बताया। ठीक है, यदि हम इसमें मैं बोलता हूँ कि इस वाले सेल में, ठीक है, देखते सेलेक्ट हुआ, अब इसमें मैं यदि स्टाइल 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो वो डबल कोट कर दिया सॉरी, ये इस स्थिति में है और इस पर मैं अप्लाई करता हूँ क्या स्टाइल। ठीक है, बिजी कलर सेलेक्ट किया और यहाँ से स्टाइल 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 ये क्लास का ये ऑटो स्टाइल टू लिया है। ठीक है, तो वैसे ही मैं इस पे जाके क्लास को सेलेक्ट करता हूँ, ऑटो क्लास 2 दिख गया, जो यहाँ पे स्टाइल बना हुआ है उसी को मैं सेलेक्ट किया हूँ क्या स्टाइल 2 आ गया, सेम चीजें को यहाँ ले लिया। तो एक बार यूज करने के बाद उसको हम बार बार अलग अलग जगह यूज कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे भी आ गया चीजें कोड ऑटोमेटिक, ये इमेज को इंसर्ट करना हुआ, ये कहाँ पे सेल की प्रॉपर्टी पे।
ठीक है। हम यदि फिर से जाते हैं टेबल पे, और टेबल और प्रॉपर्टी, यहाँ पे सेल में जाके हम टेबल में प्रॉपर्टी जाते हैं, और वहां पे भी देखेंगे बैकग्राउंड कलर है, तो हम यहाँ पे भी इमेज डाल सकते हैं, जो कि सभी सेल मतलब पूरे टेबल के अंदर जितने भी सेल होंगे, स्प्लिट हो चाहे मर्ज हो, उस पर ये यूज हो जाएगा। मैं दूसरा इमेज डाल देता हूँ, पिक्चर्स के अंदर गए और इसका यूज कर दिया, ठीक है। चलिए मैं ये वाला फोटो डाल दे रहा हूँ, और ये पूरा टेबल पे अप्लाई होगा, ठीक है। ये हुआ और अप्लाई, एक नया क्लास बन जाएगा, सी एस एस क्लास, कैस्केडेड क्लास सीट जो बोलते हैं, अप्लाई, और ये ओके, पूरे टेबल पे अप्लाई हो गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? छोटा सा इमेज है इसलिए वो लगातार यूज करके दिखा रहा है कैसे हो रहा है ना, एक ही फूल बार बार दिखा रहा है। अब इसके बारे में जो कैसे दिया गया, आपको टेबल वाले लिंक पे जाएंगे तो समझ में आएगा, ये स्टाइल वन, ठीक है, स्टाइल वन पे दिखाया गया, स्टाइल वन डबल क्लिक करते हैं इसमें, या फिर यूज क्या बोलते हैं, कंट्रोल के साथ क्लिक करना है, लिंक है तो यहाँ पे दिखाया गया। क्या दिया गया है, बॉर्डर, बॉर्डर कलर ये टेबल के लिए बताया गया, और बैकग्राउंड इमेज क्या होगा उसका यूआरएल बताया गया। तो जितने भी चीजें हम टेबल का प्रॉपर्टी है वो उसको हम स्टाइल में जब यूज कर रहे हैं तो इस एक क्लास के अंदर पूरे डिटेलिंग को डाल दिए। वो क्या, ये जो स्टाइल है ऑटो स्टाइल वन क्या है, टेबल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। स्टाइल टू क्या है, तो टेबल के अंदर सेल की प्रॉपर्टी है, तो उसको यूज कर सकते हो, आप दूसरी जगह भी इसको यूज कर सकते हो। इसका बैकग्राउंड क्या होगा, बॉर्डर क्या होगा, और उसका बैकग्राउंड का कलर या और बैकग्राउंड का इमेज क्या हो, समझ में आया सभी को, ठीक है। जैसे जैसे इसको आप प्रैक्टिकल करेंगे आपको इसमें इसके साथ साथ अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी क्या प्रैक्टिकल नहीं हुआ है तो बहुत सारी चीजें हैं कि कैसे क्लियर होगा, ये समझने में टाइम लग सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें हटाना है तो मेरे को सबको डिलीट नहीं करना है, मेरे क्या करना रहेगा, क्लास को मैं हटा दूंगा, ठीक है, टेबल को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, ये टेबल सेलेक्ट कर लिए, और टेबल में जाके इस क्लास, क्लास स्टाइल वन है उसको मैं हटा दूंगा, और ओके, तो बाकी जो फॉर्मेटिंग है वो हट जाएगा, ये और क्लास वन को यदि सेलेक्ट करता हूँ तुरंत लग जाएगा। ये स्टाइल को उपयोग करते हैं, जैसे हम लोग टेक्स्ट को डाल, फॉर्मेटिंग को डाल, सिंपल एक क्लिक में अप्लाई करते थे, वैसा ही है। समझ में आया नीतू, सोनिया, रिया, समझ में आया कि नहीं आया, पूरा पूरा आ गया ना? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ इमेज के लिए। अच्छा, ये कन्वर्ट वाला टेबल जो है उसके लिए है, ठीक है। एडिटर क्या है एक्सप्लोर करें, कन्वर्ट टेबल के लिए ऑब्जर्वर चेंज द कोड, ठीक है। तो एडिटर में टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए कोड में जाके देख सकते हैं, ठीक। ये कहाँ मिलेगा ऑप्शन जो है, टेबल टू टेक्स्ट ऑप्शन का उपयोग करते हम यूज कर सकते हैं, ठीक। टेबल कंटेंट कन्वर्ट करना है, टेबल को करते हैं कोड की चेंज। ये कन्वर्ट ऑप्शन दिया टेबल के अंदर, कन्वर्ट है, और टेबल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू टेबल, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, टेबल सेलेक्टेड है, ठीक है, और टेबल में जाके कन्वर्ट किए, और टेबल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट में कन्वर्ट करें। देखो नाम आ गया, सीरियल नंबर, ये नाम हो गया। अब टेक्स्ट है तो क्या होगा, पैराग्राफ में ही लिखाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट जो है फादर नेम, ठीक है। अब इसी को हम सेलेक्ट करके करते हैं क्या, इस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करके, देखो यहाँ पे कोड में बदल गया, सभी क्या पैराग्राफ बन गए, ठीक है। इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिया गया, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी चीज़ें हैं सबको सेलेक्ट कर लिए, पीपीपी दिया हुआ है, और एसेंटर, और इसको हम क्या कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद टेबल में गए, टेबल, अब ये टेबल का ऑप्शन नहीं आएगा है ना, क्योंकि वो टेबल तो है नहीं, कन्वर्ट करके इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करके बदल सकते हैं इसको,
एक मिनट, यहाँ पे कन्वर्ट ठीक है, एक मिनट में इसे क्या बोला गया है, टेबल से टेक्स्ट तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट तो टेबल भी कन्वर्ट करना है। टेबल टू टेक्स्ट ऑप्शन दिया गया, एक्सप्लोर एंड कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट एंड ऑब्जर्व द चेंज ऑफ द, ठीक, इसमें टेक्स्ट से टेबल में कन्वर्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं है, ठीक, टेबल से टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। ओके, अगला क्लास में जो है सेशन जो है वो इमेज के बारे में देखेंगे कि इमेज को कैसे यूज करना है, उससे संबंधित इंसर्टिंग इमेज सब चीजें, ठीक है, क्लियर। मैं स्टॉप कर रहा हूँ। जो अभी क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं उन लोगों को बताओ, उन लोगों का यदि आईडी नहीं बना तो जो आईडी बनाने के लिए करो, ठीक है, मैसेज कर करके बता दो, ठीक है, अटेंड कर रहे हैं या बाकी क्लासेस जो अटेंड कर रहे हैं आईटी वाले, ठीक है, दूसरे क्लास को अटेंड कर रहे हैं लेकिन इसको अटेंड नहीं कर रहा है तो उनसे पूछो क्या क्या चीजें, ठीक है, कोई करता है क्या दूसरे क्लास को अटेंड, और